फिल्म की शुरुआत में हम मजदूरों को चट्टान से लोहा निकालते हुए देखते हैं। अचानक ताई लंग नामक एक बाघ प्रकट होता है और उनसे कहता है कि वे अपने योद्धा को बता दें कि वह वापस आ गया है और अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिर फिल्म हमें पो नामक ड्रैगन योद्धा के गांव में ले जाती है। वो अपने साथी ग्रामीणों से कहता है कि वे उसकी सुरक्षा के कारण शांतिपूर्वक रह सकते हैं। यहाँ मास्टर शिफू आता है। वह वही है जिसने पो को कुंग फू में प्रशिक्षित किया और उसे ड्रैगन योद्धा बनने में मदद की। शिफू पो को बताता है कि ड्रैगन योद्धा के रूप में उसका समय समाप्त हो रहा है और उसे गांव की रक्षा के लिए एक नया योद्धा चुनने की आवश्यकता है। पो को ध्यान और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की खोज पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। हालांकि पो इस विचार से जूझता है, वह अभी भी खुद ड्रैगन योद्धा बनना चाहता है। मास्टर शिफू जोर देते हैं कि पो को ध्यान लगाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उनके ग्रैंड मास्टर चाहते थे। पो अनिच्छा से सहमत हो जाता है और फिर शिफू एक नए ड्रैगन योद्धा को खोजने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करता है। कई कुशल कुंग फू लड़ाके चुने जाने की उम्मीद में आते हैं। शिफू पो को प्रतियोगियों में से एक उत्तराधिकारी चुनने के लिए कहता है। प्रतियोगी उन्हें देखकर कि वे कितने निराश दिख रहे हैं, वो आवेग में आकर खुद को भविष्य का ड्रैगन योद्धा घोषित कर देता है, जो शिफू को परेशान कर देता है। शिफू पो को आध्यात्मिकता और ध्यान के महत्व के बारे में याद दिलाता है। वो आखिरकार ध्यान करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन जब उसे अपने महल में एक घुसपैठिया एक लोमड़ी चोरी करने की कोशिश करती हुई महसूस होती है तो वह बीच में ही रुक जाता है। वो अपने कुंग फू कौशल का उपयोग करके लोमड़ी को पकड़ लेता है और उसे चोरी के प्रयास के लिए जेल भेज देता है। एक भीड़ आती है और पो को संदेश देती है, ताई लंग वापस आ गया है और पो को उससे लड़ना चाहिए। ये खबर पो को डरा देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ताई लंग को हमेशा के लिए हरा दिया है। वह सोचता है कि ताई लंग वापस कैसे आ सकता है। जब पो इस स्थिति से निपट रहा होता है तो उसने जिस लोमड़ी को पकड़ा था वह सुझाव देती है कि उसे कुछ सुराग पाने के लिए ताई लंग द्वारा छोड़े गए पैरों के निशानों का अनुसरण करना चाहिए। हालांकि पो ने लोमड़ी को जेल में डाल दिया है, लेकिन उसकी सलाह उसके साथ बनी हुई है। पो वापस लौह अयस्क खदान में जाता है जहां ताई लंग को देखा गया था। वह देखता है कि बड़े पैरों के निशान अचानक छोटे हो जाते हैं, जिससे वह और भी भ्रमित हो जाता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए पो जेल में लोमड़ी से मिलता है और उससे पूछता है कि पैरों के निशान कैसे हैं। पैरों के निशान बदल सकते थे। लोमड़ी बताती है कि जिस प्राणी को वे ताई लंग समझ रहे हैं वह नहीं है, यह वास्तव में ताई लू है, एक गिरगिट जैसी छिपकली जो किसी की भी तरह दिखने के लिए अपना रूप बदल सकती है। वह बताती है कि ताई लू की योजना दुनिया को नष्ट करने और उस पर कब्जा करने की है। पो लोमड़ी को जेल से रिहा करने के लिए सहमत हो जाता है जब वह उसे बताती है कि वह जानती है कि ताई लू के रूप में प्रस्तुत गिरगिट कहाँ रहता है। अपनी स्वतंत्रता के बदले में वह पो को गिरगिट के ठिकाने तक पहुँचाने का वादा करती है। जब वे साथ साथ यात्रा करते हैं तो लोमड़ी पो के साथ अपनी पिछली कहानी साझा करती है। वह बताती है कि जब वह छोटी थी तब उसके माता पिता की मृत्यु के बाद चोरों के एक समूह ने उसे अपने साथ ले लिया। उन्होंने उसका पालन पोषण किया और उसे चोरी करना सिखाया, जिससे वह बच पाई है। वह यह भी बताती है कि उसके सभी दोस्त जो गिरगिट की असली पहचान से वाकिफ हैं उसी शहर में रहते हैं जहां गिरगिट रहता है। साथ में पो और लोमड़ी उसके दोस्तों से मिलने जाते हैं जो पो को प्यारे और हानि रहित लगते हैं, लेकिन वास्तव में काफी खतरनाक होते हैं। फिर वे गिरगिट के महल की ओर बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि वे गिरगिट के दुश्मन हैं। गिरगिट बताता है कि उसने बचपन से ही फॉक्स की बुद्धिमत्ता और बहादुरी को देखते हुए उसका पालन पोषण किया है, यह संकेत देते हुए कि उसकी निष्ठा हमेशा पो के प्रति रही है, पो के प्रति नहीं। गिरगिट की अपने प्रति उपेक्षा सुनकर फॉक्स हैरान और आहत हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस व्यक्ति का वह सम्मान करती थी और जिसे अपना स्वामी मानती थी वह उसे केवल एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इस रहस्य उद्घाटन से अभिभूत और अपने पिछले कार्यों पर पछतावा करते हुए फॉक्स गिरगिट का समर्थन नहीं करने का फैसला करती है। पो अभी भी पिंजरे में फंसा हुआ है, गिरगिट का सामना करता है और पूछता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। गिरगिट अपनी पिछली कहानी बताता है, कुंग फू मास्टर्स द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने के बारे में बताता है जिन्होंने उसे बहुत छोटा और कमजोर समझा था। इस अस्वीकृति ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया और इसके बजाय उसे काले जादू में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। अपने जादू से वह किसी की भी शक्ल सूरत की नकल कर सकता है, लेकिन उसके पास उनकी ताकत नहीं है। गिरगिट कबूल करता है कि वह पो की जादुई छड़ी चाहता है क्योंकि इसमें महान कुंग फू मास्टर्स की शक्तियों को अवशोषित करने की कुंजी है। उसका मानना है कि छड़ी के साथ अपने जादू को मिलाकर वह आत्माओं की दुनिया तक पहुंच सकता है। कुंग फू में महारत हासिल कर ली और उनकी जबरदस्त शक्तियां हासिल कर ली। गिरगिट की योजना सुनकर पो क्रोधित हो गया। वह जादुई रूप से मजबूत पिंजरे से मुक्त होने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। गिरगिट पो को ताना मारता है, कहता है कि उसने अपने शक्तिशाली काले जादू का उपयोग करके उसे रोकने के लिए विशेष रूप से पिंजरा बनाया है। जैसे ही पो गुस्से में पिंजरे के नीचे जमीन पर प्रहार करता है वह टूट जाता है, जिससे एक अंतर बन जाता है जिससे वह बच निकलता है। बाहर निकलने के बाद पो अपने कुशल कुंग फू के साथ गिरगिट सैनिकों से तेजी से भिड़ जाता है और उन्हें एक एक करके हरा देता है। सैनिकों को हराने के बाद पो लोमड़ी को अपनी जादुई छड़ी पकड़े हुए देखता है। वह अपनी गलती और विश्वासघात को स्वीकार करते हुए माफी मांगती है और छड़ी को उसकी ओर बढ़ाती है। हालांकि जैसे ही पो छड़ी लेने के लिए आगे बढ़ता है कोई उसे चेतावनी देता है कि यह असली लोमड़ी नहीं है। चेतावनी के बावजूद
पो छड़ी को छूता है और जैसे ही वह ऐसा करता है उसकी शक्तियाँ छड़ी की शक्तियों में विलीन हो जाती हैं। गिरगिट, जो अपने जादू के माध्यम से शक्तियों को अवशोषित कर रहा था, इस अवसर का लाभ उठाता है। वह आत्माओं की दुनिया का द्वार खोलने के लिए संयुक्त शक्तियों का उपयोग करता है। आगे की शक्ति पाकर गिरगिट पो को पकड़ लेता है और उसे अपने ऊंचे महल के टॉवर से नीचे फेंक देता है। जैसे ही पो नीचे गिर रहा होता है, कोई चमत्कारिक ढंग से उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। यह अचानक बचाव सामने आने वाले नाटक में एक नया मोड़ लाता है। पो को उसके दो पिताओं, एक उसके जैविक पिता और दूसरे उसके पिता जिसने उसे पाला था, द्वारा अचानक बचाया जाना घटनाओं का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वे बताते हैं कि वे उसे खतरे में महसूस करने के बाद चिंता के कारण खोजने आए थे। वे गिरगिट के महल में उसके पीछे पीछे गए और उसे गिरते हुए पकड़ लिया। आगे के टकराव से बचने के लिए उनकी चिंताओं और सलाह के बावजूद पो दृढ़ है। वह जानता है कि उसे अपनी गलती सुधारनी होगी और गिरगिट से अपनी जादुई छड़ी वापस लेनी होगी। छड़ी के अस्थायी नुकसान के कारण हुई गलतियों को सुधारने के लिए उसके दृढ़ संकल्प को कर्तव्य की भावना से बल मिलता है। इस बीच गिरगिट ने आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए पो की छड़ी और अपने जादू की संयुक्त शक्तियों का दोहन करना शुरू कर दिया है। इस नई क्षमता का उपयोग करते हुए उनका पहला कार्य ताई लंग को बुलाना है, जो एक शक्तिशाली और कुख्यात है। आत्मा की दुनिया से शक्तिशाली और कुख्यात व्यक्ति। आगमन पर ताई लंग छड़ी के कब्जे के बारे में उलझन में है। संदेह है कि पो इसे स्वेच्छा से सौंप देगा। गिरगिट ने धोखे से इसे लेने का दावा किया और अपनी महान योजना का खुलासा किया कि वह आत्मा की दुनिया से सभी कुंग फू मास्टर्स को बुलाकर उनकी शक्तियों को अवशोषित करेगा। यह रहस्य उद्घाटन एक बड़े संघर्ष के लिए मंच तैयार करता है, क्योंकि पो को न केवल अपनी जादुई छड़ी को वापस पाने के लिए लड़ना होगा, बल्कि गिरगिट को सबसे महान कुंग फू मास्टर्स की शक्तियों को इकट्ठा करने से भी रोकना होगा, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हालांकि गिरगिट ताई लुंग की शक्तियों को अवशोषित करता है, क्योंकि वह अपने हमले से कमजोर हो जाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए गिरगिट ताई लुंग को एक पिंजरे में कैद कर देता है, जैसा कि उसने पो की छड़ी के साथ किया था। ताई लुंग के वश में होने के बाद गिरगिट आत्माओं की दुनिया से सभी कुंग फू मास्टर्स को बुलाने के लिए आगे बढ़ता है और उन्हें भी पिंजरों में फंसा देता है। इस बीच जैसे ही पो युद्ध के लिए तैयार गिरगिट के महल के पास पहुंचता है, उसका सामना एक बार फिर लोमड़ी से होता है। लोमड़ी की क्षमा याचना और सुधार के दावों के बावजूद पो सतर्क और अविश्वासपूर्ण बना हुआ है। हालांकि लोमड़ी इस बात पर जोर देती है कि वह गिरगिट को हराने में मदद करना चाहती है, खुद को पो के उद्देश्य से जोड़कर। महल में पहुंचने पर पो गिरगिट का सामना करती है, उसे बाथरूम में फेंक देती है, लेकिन लोहे की वस्तु से अप्रत्याशित हमले से उनका टकराव बाधित हो जाता है, जिससे पो चौंक जाती है। इस हमले से गिरगिट क्रोधित हो जाता है, जिससे वह अपनी सारी शक्तियों को बाहर निकाल देता है और एक राक्षसी इकाई में बदल जाता है, जिससे संघर्ष एक खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। जैसे जैसे गिरगिट अपना हमला जारी रखता है, पो को परास्त करने के लिए एक विशाल पांडा में बदल जाता है। लड़ाई तेज हो जाती है। अपनी घटती ताकत के बावजूद पो बहादुरी से गिरगिट का सामना करता है, लेकिन गिरगिट अपनी पिछली रणनीति की नकल करते हुए उसे एक पिंजरे में कैद करने में कामयाब हो जाता है। फॉक्स पो की दुर्दशा देखकर उसकी सहायता के लिए दौड़ता है। हालांकि पो गंभीर जोखिमों और अपनी खुद की घटती शक्तियों को जानता है, फॉक्स को निर्देश देता है कि वह उसे मुक्त करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करे। इसके बजाय वह उसे गिरगिट से खुद लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे अपनी शक्तिशाली छड़ी सौंपता है। नई ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ वह छड़ी से गिरगिट पर जोरदार प्रहार करती है, जिससे वह गिर जाता है। इस बीच पो खुद को पिंजरे से मुक्त करने में सफल हो जाता है। पो को बाहर निकलते देख फॉक्स हैरान रह जाता है और सवाल करता है कि अगर वह खुद बच सकता था तो उसने छड़ी क्यों दी। इससे पो के गहरे इरादे का पता चलता है। वह फॉक्स को सशक्त बनाना चाहता था, उसे अपनी ताकत और क्षमताओं पर भरोसा करना सिखाना चाहता था। गिरगिट अब कमजोर और पराजित हो चुका है, पो के कार्यों को समझाते हुए सुनता है। पो की रणनीति केवल गिरगिट से लड़ने के बारे में नहीं थी, बल्कि फॉक्स को उसकी क्षमता और उसके भीतर मौजूद ताकत का एहसास कराने में भी मदद करना था। यह सबक फॉक्स के साथ गहराई से गूंजता है, जो आत्मसंदेह और गिरगिट के प्रति अपनी निष्ठा से जूझ रही थी। इस कठिन परीक्षा के माध्यम से वो न केवल गिरगिट के तत्काल खतरे का सामना करता है, बल्कि फॉक्स के व्यक्तिगत विकास में भी सहायता करता है, एक दुश्मन को सहयोगी में बदल देता है। यह विश्वास, मोचन और खुद पर विश्वास करने की शक्ति के विषयों को पुष्ट करता है। गिरगिट को वश में कर लेने और मास्टरों की शक्तियाँ पुनः बहाल हो जाने के बाद पो कुंग फू मास्टर के रूप में विजयी हो जाता है। मास्टर्स जो पहले उनके खिताब पर संदेह करते थे, अब एक ड्रैगन योद्धा के रूप में उनकी असली ताकत को पहचानते हैं। पो की बहादुरी और कौशल को स्वीकार करते हुए वे आत्माओं की दुनिया में लौटने की तैयारी करने से पहले अपना नया सम्मान व्यक्त करते हैं। संकल्प के अंतिम कार्य में मास्टर्स गिरगिट को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। उनका मानना है कि वह अपने दुर्भावनापूर्ण कार्यों और अराजकता की प्रवृत्ति के कारण नश्वर दुनिया में नहीं है। जैसे ही वे पो द्वारा खोले गए पोर्टल से निकलते हैं, वे गिरगिट को ले जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अब नश्वर क्षेत्र में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आत्माओं की दुनिया को एक बार फिर सील करने और शांति बहाल करने के बाद पो अपने गांव लौटता है, जहां फॉक्स उसका इंतजार कर रहा है। उनकी यात्रा ने न केवल एक ड्रैगन योद्धा के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत किया, बल्कि फॉक्स को भी बदल दिया, जो कभी एक संदिग्ध चरित्र था, एक भरोसेमंद सहयोगी में। साथ में वे कुंग फू के पाठों को फैलाते हुए अपने रोमांच को जारी रखने के लिए तत्पर हैं।